हम सब टूट गए हैं, हमें आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित काफी ग्रस्त हो चुके हैं। बेरोजगारों और युवाओं की सरकार के कार्यकाल में आज राजस्थान में युवा और रोजगार पाने के लिए बेरोजगार आज शहीद स्मारक पर बैठे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। नमस्कार, एरियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहां मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहाँ पर रीट लेवल 2 की भर्ती की परीक्षा को लेकर जो रद्द की गई है उसको लेकर यहाँ पर मांग उठाई जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा। आइए जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है मैडम। मैं गंगानगर से आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो सरकार ने, गहलोत सरकार ने कैबिनेट के अंदर जो फैसला लिया गया है लेवल 2 को रद्द करने का, वो किस आधार पे लिया गया है। पहली बात तो मेरी ये है कि SOG ने 300 व्यक्तियों को बताया था कि 300 व्यक्तियों के पास पेपर गया है, तो क्या 300 व्यक्तियों के लिए आप 16,500 को मतलब दोषी ठहरा दोगे? और गहलोत सरकार ने ये भी कहा था कि हर एक गलती एक कीमत होती मांगती है, मतलब एक गलती कीमत होती है। तो हमने क्या गलती की है? एक पेपर दिया है, 3 साल मेहनत की है, 3 साल रूम के अंदर रहे हैं, कोविड के कारण हम घर से बाहर नहीं निकले, हर एक मतलब घर के अंदर जो छोटा छोटा प्रोग्राम था उसको हमने कैंसिल किया है, सिर्फ और किस लिए? रीट के लिए, सिर्फ और सिर्फ रीट 2021 के लिए। और कितनी बार आगे गई है आपको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए था। या तो देखो लेवल 2 बहाल करो, वरना हमें मृत्युदंड दे दिए जाए। मैं गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो लेवल 2 बहाल कर दो, वरना हमें मृत्युदंड दे दो। धन्यवाद। सर, अब आगे क्या रणनीति अभी रहेगी, किस तरीके का प्रदर्शन जारी रहेगा आपका? जब तक सरकार 16,500 अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं करती, तब तक हमारी मांगे जारी रहेगी। और सरकार के लिए हमें यही कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने 3 साल तक दिन रात मेहनत की और उन अभ्यर्थियों के साथ 1 मिनट में ही फैसला सुना के इनके साथ अन्याय किया है, तो सरकार को क्या है कि इस रीट को बहाल करना चाहिए, नहीं तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह जाएंगे और इसको बहाल करने का प्रयास करेंगे। अभी तक बहाल करने की मांग को लेकर अभी तक आप सभी ने मिलकर क्या क्या काम किए हैं, किस किस तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है? हमने कैबिनेट के मंत्रियों, बीकानेर में जो कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री BD जी कल्ला जी थे और डोटासरा जी को और गोविंदराम मेघवाल जी को भी ज्ञापन दिया, उनका अवगत करवाया कि आप गहलोत साहब को ये हमारी बात है, इसको अवगत कराई, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको बात गहलोत जी से पहुँचाएंगे, गहलोत जी तक। और हमने 3 साल तक जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मेहनत की, दिन रात डटे रहे, घरवालों ने कैसे एक एक रुपये जोड़कर हमें यहाँ उस स्तर पर पहुँचाया, और 3 साल की मेहनत के बाद हमारा परिणाम भी 3-5 बार मतलब डेट पोस्टपोन होती रही, फिर भी हम डटे रहे और दिन रात मेहनत की, और उसके बाद पेपर हुआ और रिजल्ट आ गया, पात्रता के वो प्रमाण पत्र में दे दिए, काउंसलिंग चालू हो गई और अंतिम डेट 9 तारीख थी और 7 को ये हमें अचानक ये निर्णय, हम सब टूट गए हैं, हमें आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित काफ़ी ग्रस्त हो चुके हैं। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और जिसने मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए उनको नियुक्ति दी जाए।